समार, हाथी का समार, बिग साइज पंचित पहाड़, और यही है पुरिया जाने का रास्ता वेस्ट बंगाल, जहां पुलिस का सख्त पहरा लगा रहता है। देखिए जिस तरह सिविटेक्स ऑफिस में कोई सांप देखा गया है, सिविटेक्स ऑफिस में कोई सांप देखा गया है, जो वहां से फोन आया हुआ था। वीडियो को आखिरी तक बने रहें, अब देखा जाए कौन सा सांप आज रेस्क्यू करेंगे। साथियों यही है सिविटेक्स ऑफिस, जहां हमें बुलाया गया है, और देख रहे हैं यही है पंचत पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ है, और यहाँ के देवर लोग बताएगा कहाँ सांप देखा गया। भाई सांप बोल रहा है यहाँ, अच्छा अच्छा गाड़ी यहीं रख देते हैं। वीडियो का आखिरी तक बने रहे, कहीं सांप देखा गया है यही सेल टैक्स ऑफिस में। साथियों हम आ चुके हैं सेल टैक्स ऑफिस से, और वरुण दादा नहीं बोल अपना फोन करे छिले। नमस्कार दादा, और ये हमारे वरुण दादा हैं, और वो दादा होटल संचालक हैं, और इतना ही बड़ा जंतु प्रेमी इंसान है कि लोग सांप को मारते नहीं है। कहाँ गिरा है सांप? जो बच्चा में गिरा हुआ है। चलिए हम लोग इसको अभी सेल टैक्स नहीं नाम है, अच्छा इसको पार्क का नाम है। अच्छा कोई पार्क बन रहा है? पार्क, पार्क। सॉरी साथियों हमारे नॉलेज से बाहर था ना, ये कोई था, अगर था सेल टैक्स अभी नहीं, ये कोई पार्क बनेगा। पार्क बनेगा, अच्छा बच्चा लोगों के लिए। बच्चा लोगों के लिए बहुत सुंदर है कि बच्चा लोग के लिए पार्क बन रहा, तरह तरह का झूला लगेगा, फिर आप लोगों को उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए सड़क पर दिखाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा भाई कैमरा में दिखलाइए। देखिए बेचारा पानी में गिर चुका है साथियों, ये जो है ना ये सेप्टिक टैंक अभी यूज नहीं कर रहा, ना, ये नया बन रहा। हाँ ये नया मैन्युफैक्चर हुआ है, और यही सांप है, ये बिग साइज का कोबरा है। कोबरा जब कहीं गिरता है ना तो ऑक्सीजन भर लेता है। हम देख रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंट में अगर उठ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं उठा तो फिर हम हाँ कुछ है इसी से ही उठ जाएगा दादा, ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं, थोड़ा सा सर जगह दे दीजिए, आप लोग थोड़ा सा जगह दे दीजिए। आ गया कोबरा महाराज आ गया। चलिए सर अब चलिए, वीडियो का आखिरी तक बने रहे, और ये बिग साइज का कोबरा है। देखिए, और थोड़ा हमारा टोपी दे दीजिए। अरे बाप रे बाप, घमना नहीं, एक बार काट लेगा तो कोरोना में भोज भी नहीं होगा। देख रहे हैं कितना गरज है इसका। हमारा टेक्निक मत अपनाइएगा, और नहीं तो मारा जाइएगा। मेरा टेक्निक में कितने लोग मर गए हैं इंडिया में, ये तो देखिए। हाँ हाँ, इसलिए मेरा नकल नहीं कीजिएगा, नहीं तो भोज भी नहीं होगा। ये हिंदी, हिंदी में इसका नाम है नाग गेहुअन, बंगला नाम गोखरू खरीस। हिंदी बंगला अब इंग्लिश नाम सुनिए, स्पेक्टिकल कोबरा, और एक साइंटिफिक नाम है नाजा। नाजा यूथ, युवा पीढ़ी से अपील है कि आप मेरा नकल मत करें। क्या करें, कलम ले लें, पढ़ाई करें ऑनलाइन, किताब ले लें, बोई ले लें, स्कूल कॉलेज जाएं। ये कौन सा काम है कि मुबारक ऐसे कर रहा है तो हम भी करेंगे। अरे मुबारक यदि कर रहा है तो मुबारक इसके पीछे मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, स्नैक ऑफ इंडिया बोई पढ़ा है, तब ना हम छूने सक रहे हैं। कोई ताबीज और ना ही कोई मंत्र काम करेगा। साथियों एक बहुत सुंदर और चीज बताने जा रहे हैं, कुछ हमारे मित्र हैं उत्तर प्रदेश, 75 जिला डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट अगर कोई है तो वो है उत्तर प्रदेश। ध्यान से सुनिए,
एक मित्र ने बोला कि मुबारक भाई यदि गर्भवती महिला दीदी यदि थाके और वो यदि सांप देखे नहीं तो कि सांपटा अंधा हो जावे। सांप टोटली कलर ब्लाइंड होता है। क्या होता है? सांप शुरू से ही कलर ब्लाइंड होता है, इसलिए काला चीज को देख पाएगी ना ही। कोई सांप अंधा होगा और ना ही मेरा कोई बोमा और ना ही कोई दीदी और ना ही कोई बोन अंधा होगा। बिल्कुल सुपर रंग, ये बिल्कुल अंधविश्वास है। आप मेरा नकल मत कीजिएगा, ध्यान से देखिए। फिर इसको हम छोड़ रहे हैं, अब दोबारा हम नहीं छुएगा इसको। बहुत ही सुंदर भाई, कहीं नहीं भागना। देखिए, देखने के लिए ही हम ये सब। सांप काटने से ओझा गुनी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र का चक्कर में मत रहिए, और नहीं तो मारा जाएगा। अभी सबसे जहरीला हम है, क्या कि हम इधर जा रहे हैं तो वो पीछे भाग रहा है, तो जहरीला कौन है बताइए आप लोग? मानुष, पृथ्वीर सबसे विषाक्त प्राणी होच्छे मानुष। मानुष थेके विषाक्त प्राणी एखन पर्यन्त पावा जायनि। सांप होच्छे आमादेर परिवेश बंधु। वाह, पीछे भाग रहा है। आज ही से हम कोई बड़ा जंगल में छोड़ देंगे। काहे छोड़ देंगे? कि इसको छोड़ने से ही बच जाएगा। अरे बाबा, ये 15-20 दिन तक हवा पी के बिता देता है। हवा पी करके ही ये बिता देगा। देख रहे हैं, सांप नाचता नहीं है। ये बीन मान लो आप, ये बीन हो गया और हम बजा रहा है। काहे कि कान नहीं, इसलिए सुन नहीं सकता है। ये अगर हिलाएंगे तब वो सीधे इधर उधर डोलेगा। देखिए, देख रहे, सीधे पीछे भाग रहा है। भरा एकटा टेक्निक, टेक्निक को जानने के लिए शिक्षा का होना जरूरी है, और शिक्षा को जानने के लिए स्कूल और कॉलेज जाना जरूरी है। अरे आ रहा है ना भी। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। हमें को ভালো আছে ওই জন্য আমাকে ডাকলাম এসে নিঞ্জা বাবা কথা কর। बहुत ही अलग सांप है, देख रहे ना, हमेशा लड़ने का। ये कभी देखिए मुंह खुल गया, मुंह खुल गया, यानी अब हम इसको छुएगा भी नहीं, तुरंत दांत गड़ा देगा, कोई उपाय नहीं है। अभी क्या हुआ, ध्यान से सुनिए मेरा बात। बिहार, बिहार, बिहार में एक सांप पकड़ने वाला ऐसे सांप पकड़ा है, ऐसे पीठ में ऐसे लाद लिया, लग रहा है कि बोस्ता और स्लेट पेंसिल या झोला टांगेगा, ऐसे टांग के, और डीजे का साउंड, उसमें दो ठो लड़का लड़की बन करके सज के डांस चल रहा, और पूरा नाचते नाचते जा रहा, पीठ में चिबा दिया। सांप काटता है अगर हाथ में तो आप यहाँ बांधिए, पैर में काटा है यहाँ बांधिए, हॉस्पिटल जाइए, बच जाइएगा। लेकिन पीठ में काटा है तो कहाँ बांधिएगा? गर्दन में? वो तो नहीं रुके, मर गया। कर्मा, कर्मा पूजा था या जीतिया था हमको उतना आइडिया नहीं है, कब था, उसी दिन मरा है। इसलिए भूल से आप ऐसा काम ना करें। सांप काटने से हॉस्पिटल का सहारा लें, मेडिसिन का सहारा लें, सीधे ओझा का घर चला जा रहा है आदमी के। ओझा बाबा बचा देगा। ओझा बाबा क्या बचाएगा? ओझा बचाएगा, क्योंकि हमको मालूम है पुरुलिया जिला में एक ठो ओझा है कुमड़ूगुड़ा में, जो निर्विष माने जिसमें जहर नहीं है, वो कामड़ देगा तो ओझा तो आप बचा दीजिएगा, ये दादा बचा देगा। लेकिन यदि बिजधर कामड़ दे दिया, यानी जहरीला सांप काट लिया, तो ओझा तो ओझा, ओझा का साथ बाबा नहीं बचा पाएगा। इसमें विष भरा है, एक फोटा विषे 25 लोग मारा जाए, धुरुन की जिनिसटा। इसलिए भूल से ओझा गुनी झाड़ फूंक का घर ना जाए। दादा इखने आसुन आसुन, इसको हम लोग कोई बड़ा फॉरेस्ट में छोड़ देंगे। जय हिंद, जय भारत, और हम गर्व से कहेंगे वंदे मातरम। बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों ध्यान से सुनिएगा, साथियों, एक अमीर इंसान हर किसी को अमीर नहीं बना सकता है। एक अमीर इंसान हर किसी को अमीर नहीं बना सकता है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति पूरी दुनिया को शिक्षित कर सकता है। तो साथियों, आपने देखा कुछ देर पहले जो बड़ा सा खास करके पेन था, बाथरूम का पेन था जो अर्धनिर्मित बना हुआ था, वहाँ से हमने रेस्क्यू किया है कोबरा। आज उसे हम प्राकृतिक परिवेश में रिलीज कर रहे हैं।
ध्यान रहे, फ्री हैंडलिंग ना करें, फ्री हैंडलिंग से बचें, तभी कुछ दिन और लाइफ हो सकती है। बहुत ही उम्दा स्नैक, रिलीज फॉरेस्ट एरिया। जय हिंद, जय भारत, और हम गर्व से कहेंगे, जाने दीजिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम।